चुनरी जयपुर से बजवाई। हाँ ये बात। कहना है क्या हरियाणा वालों ने गीत गाया के चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, लोग दून में गाते हैं, हम दून में नहीं गाएंगे, हम सिंगल में गाएंगे। ये बात। अब देखो रस कैसे आता है। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, कसौती कांधे की धरवाई, और टोकरी चांदी की गड़वाई, टोकरी चांदी की गड़वाई। कोई खेल बेच रहे, आज के सदी का खलनायक राकेश भैया, कुछ लोग मेल मेल में मेल बेच रहे, कुछ लोग आईपीएल तो कुछ लोग खेल बेच रहे, और निडर 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 आज के युग का वो खलनायक अमिताभ बच्चन, निडर आज के सदी का वो खलनायक अमिताभ बच्चन। अरे बोलने दो। हाँ। कहा कुछ लोग तालमेल में मेल बेच रहे हैं, मेल बेच रहे, कुछ लोग आईपीएल तो खेल बेच रहे, आज के सदी का वो महानायक अमिताभ बच्चन, निडर आज के सदी का वो महानायक अमिताभ बच्चन। सुना है टीवी में वो नौरतन तेल बेच रहे हैं, बोले तेल लगाओ सर दर्द को आराम दो, एक रुपए की पुड़िया। मुझे दान दीजिए, बोले प्रभु क्या लोगे, बोले तीन पग भूमि, तीन पग। जैसे ही तिरवाचा देने लगे
तो शुक्राचार्य जी मच्छर का रूप बना के उस टोटी में घुस गए। समझते रहिए भैया, जहाँ से पानी निकलता है। बोले ये तो टोटी छिक गई, अब पानी कैसे आएगा। तो एक सीख उठाई गई, उस टोटी में डाली गई, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, एक फ्यूज चला गया। जब एक आंख फूट गई, अब अपनी एक आंख लेके जब घर पहुंचे, उनकी वाइफ ने कहा आओ कहां से बुड़वा लाए। तो बोले अरे सुनो सुनो, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं आए जब बल के हरिद्वारा, हरिद्वार पे आए तो छले गए वो हरिद्वारा। बलि तो छल गए, अरे छले गए वो हरिद्वारा। और जरा सुनिए श्रीमती जी, अरे बचाए कौन भला उसको, बचाए कौन भला उसको, मारा जाए जो हरिद्वारा। इसको परमात्मा स्वयं दंड देते हो, उसको बचाने वाला कौन है। तो बोले सुनो, अरे निज ग्रहे आए बहुत पछताए, अरे निज ग्रहे आए बहुत पछताए, मेरी नादानी ही सही, अरे मेरी नादानी ही सही, और क्या, मेरी नादानी ही सही। निज ग्रहे आए बहुत पछताए, मेरी नादानी ही सही, जान बची तो लाखों पाए, जाने बची तो आंख आंख तो गई, जान बची तो लाखों पाए, बुद्धू घर का लौट के आए। और अपनी अपनी दुल्हन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, बुद्धू घर को लौट के आए, आंख एक कानी ही सही, आंख एक कानी ही पाए, बुद्धू घर से लौट के आए, आंख एक कानी ही सही, आंख एक कानी ही सही, रे 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 ना रे, रे 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 बाराबंकी आज से ₹100 आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भैया हमारे श्री युवराज कमल जी आज से ₹100 आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से जो लोग आए थे हमारे दादा श्री, भैया खोल दीजिए, दादा श्री संतोष गुप्ता जी, दादा श्री राजीव मिश्रा जी, और बड़े भैया श्री हमारे राकेश वर्मा जी, भैया हमारे संजय भैया जी, और हमारे कीर्तन के जोहरी हमारे इसके सैनी जी, आप लोग आए यहाँ बाहर आ गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साजवाद है। अब आ रही हैं हमारी बड़ी बहन नीलम विश्वकर्मा जी, इससे पहले हमारे सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं वो कानी ही सही, नाना न सही तो नानी ही सही, नाना न सही नानी ही सही। जमाने भर की चाहत उठा खिलाया था, निडर की जब बात आ गई तो
अब दादा का यहाँ से स्थान दूर नहीं, वो सो नहीं रहे होंगे, वो जग रहे होंगे। जमाने भर की चाहत उठा के लाया था, अपने कारनामों से शोहरत उठा के लाया था, निडर मुद्दत से मैं उस शख्स का सैदाई हूँ जो एक हाथ से पर्वत उठा के लाया था। तो लिखते रहते हैं। एक दादाजी, ये हमारे आदरणीय श्री राजू शुक्ला जी, विशिष्ट व्यवस्थापक हर हर महादेव युवा जागरण मंडल बेलिया गजपतिपुर, आप दो से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साझवाद। और ये बीरपाल सिंह जी ने आपने संचालन पर इन पक्षियों पर कि मैं उस शक्ति का सहदाई हूँ जो एक हाथ से पर्वत उठा के लाया था। बीरपाल सिंह जी बहुत अच्छे आयोजक भी हैं, आप हमेशा जो है अच्छे अच्छे कीर्तनकारों को जो सम्मान देते हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दाग लगने दिया ना देश के भाल में, देश का मान रखा है हर हाल में, उफ न मुंह से किया आह निकली नहीं, देह चुनवा दिया लाल दीवाल में, ऐसे भी लाल हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली इनके लिए बजा दे जो चाय लेके आ रहे हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, बिल्कुल जोरदार ताली बजा दे। राम राज में दूध नहीं था, कृष्ण राज में घी, कलयुग का अमृत है चाय, फूक फूक के पी। जोरदार तालियां आपके चाय के लिए, एक चाय और दे दो। जहाँ चाह है वही राह है, और जहाँ राह है वही चाह है। देखिए चाह थी तो हमारे पांडे जी और राजू शुक्ला के निवेदन पर हमारे लखनऊ से चलकर संजय भैया और सैनी जी, हमारे राजू मिश्रा जी, राकेश वर्मा जी, संतोष गुप्ता जी, ये चाह की बात थी, ये चाय की बात नहीं थी। और यही नहीं, जहाँ जहाँ कीर्तन की बात होती है, जहाँ जहाँ पर कलाकारों के उत्थान की बात होती है, वहाँ पर आप जैसे श्रेष्ठ लोग का हमेशा सानिध्य रहता है। शीघ्र ही आपको और केएस म्यूजिक ग्रुप का तो कमाल ही है, संजय भैया का कमाल धमाल है। मैं चाहूँगा एक सेकेंड आप आ जाए, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं भी मंच पर आपका आह्वान करूंगा। एक माला बंजी दे दे। वो संजय जी आइए, जो मेरे हृदय के उद्गार है, गुरु के हाथ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। माला और हमारे राकेश वर्मा जी भी के करकमलों द्वारा केएस म्यूजिक के ऑल इंडिया कीर्तन की तरफ से आपको ये पुरस्कार आया है। हम भोर का सूरज है कोई शाम नहीं, हम भोर का सूरज है कोई शाम नहीं है, चढ़कर उतर जाए वो जाम नहीं है, हम हार नहीं मानते हालात के सामने, ये उनको बता दो कि हम राम है घनश्याम है इमरान नहीं है। तो आइए सीधा लिए चले हैं सम्मानीय नीलम जी की तरफ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम। तुम्हें भेजी थी एक पहुंची, तुम्हें भेजी थी एक पहुंची, जो पहुंची की नहीं पहुंची, अगर पहुंची हो पहुंचे तक तो लिख भेजो कि हाँ पहुंची, जवाब आया कि हाँ पहुंची, जो भेजी आपने पहुंची मगर पहुंचे तलक नहीं पहुंची, तो क्या पहुंची, नहाने को जो मैं पहुंची, उतारी हाथ से पहुंची, कोई कमबख्त आ पहुंची, उठाकर ले गई पहुंची, यहाँ पहुंची कि वहां पहुंची, राम जाने कहां पहुंची। आइए बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी और सम्मानीय हमारे छोटे अनुज सचदेवा शरारती, बहुत दिव्यतम व्यवस्था आयोजन समिति की है, राजू शुक्ला भैया, पांडे जी, उनके समिति के जितने भी लोग हैं, आप समस्त ग्रामवासियों ने, माताओं बहनों ने बहुत मेहनत किया है। सीधा आपको जैसे जैसे सुबह का समय होता जाएगा बहुत आनंद आएगा। लोग कहते हैं कहाँ बसते हैं,
वहाँ बसते नहीं है हम, जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने भले बच पाया है कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। आइए हेलो हेलो आवाज बढ़ाएं। हेलो 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 सुना भी आप लोगों ने, जैसा नाम वैसा गुण। हमारे भैया सचदेव शरारती जी आ जा, अब शरारत की है आपने। बार बार लगातार कह रहे हैं बहन जी आप हमको फंसाने की प्रयास कर रही हैं। सचदेवा जी हमने ऐसा क्या गा दिया जो आप फंसने लगे? गाना ही गाया, जाल थोड़ी डाला। अरे हम बहन हैं, एक तरफ आप हमको बड़ी बहन कह रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि हमको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। और ये आपने कहा कि आखी और आखी, आखी और आखें कहाँ गए सचदेवा भैया? आ रहे हैं, थोड़ा प्राइवेट। आपने कहा नाभि नाभि, पहले अपने आप में देखिए नाभि है या नाभि, नाभि और नाभि। और जब बात कहते हैं आखी भैया सचदेवा जी, लोग कहते हैं कांतोरी आंखी फूट गई है का, दिखाई नहीं पड़ता हो। आप कहते हैं आंखें, तो क्या कहिए आंखें पर फूट गई है। चला बेटा आपने कहा कामदेव त्रेता युग में भस्म हुए हैं सचदेवा जी, और अध्ययन करिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई और कीजिए। अभी अभी आप और पढ़िए, आप सच सचदेवा हैं, सच का साथ देने वाले हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि त्रेता युग में, तो और पढ़ाई करिए, बाकी मुझको कुछ नहीं कहना। जनता समझदार है, समझ रही है क्या कुछ है। बार बार एक शायरी, हमको लगता है हमारे सचदेव भैया पूरी रात गाएंगे। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, अभी आएंगे फिर से यही शायरी पढ़ी जाएगी। कोई बात नहीं। आपने कहा मैंने ये धुन सुनी नहीं है, जबकि ये बहुत चर्चित धुन है, सबने सुनी है। कि ताले बाजे ताले बाजे ताले बाजे ताले कह रहे मैंने सुनी नहीं है। ऐसा क्या गा दिया फंसाने का? यूट्यूब तो चलाते ही नहीं है ये लोग, बस अपना माल माल है, बाकी गोल माल है। बार बार उंगली करना अच्छा नहीं लगती, बिल्कुल। लेकिन आइए, जो जवाब आपने दिया है सचदेवा जी, आपने कहा कि एक तर्क करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात लगी, तर्क ही अच्छा लगता है कीर्तन में। लेकिन इस तर्क के साथ घर में जाकर इस जवाब को जरूर मिलाना। आपने गाया है शीश काटे शीश काटे माँ, तो टुकड़ों में शीश काटे टुकड़ों में बांटे या काटे भैया, अगर गाना ही था तो शीश काटे शीश काटे शीश काटे माँ, तो कट कट काटे श्याम, मिलाइए। बाकी बढ़िया है, आप देखिए अपने घर में जाकर, बढ़िया है।
लेकिन सचदेवा भैया आप छोटे भाई हैं, उस सच मानिए, हम लोग मुंह से नहीं कहते हैं, जिसको कहते हैं उसको मानते हैं। बस बात इतनी है कि गोल गोल बातें करना नहीं आती। बिल्कुल, आपने कहा कि कीर्तन में राजनीति फैली है, उस राजनीति के आप भी शिकार हैं, हम भी शिकार हैं। राजनीति फैलाने वाले फैला रहे हैं, राजनीति फैल भी रही है, लेकिन सबसे बड़ा जज वो भगवान है, उसके सामने किसी की राजनीति नहीं चल रही है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति में परमात्मा उनको दंड भी दे रहा है, और हम लोग भी अगर राजनीति करेंगे तो हमको भी दंड के पात्र बनेंगे, परमात्मा हमको भी दंड देगा, क्योंकि परमात्मा के दरबार में सब एक हैं। लेकिन भोले बाबा से केवल यही प्रार्थना है कि हम एक बने और नेक बने। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों को, और साथ ही धन्यवाद है माताएं बहने को, जो हमारी नन्नी मुन्नी बहने बैठी हैं, बड़ा उत्साह बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए, सुने बहुत अच्छा गीत आया है, आया। और आप लोगों ने सुना भी है। बिल्कुल बेटे, चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, एक आंख का नहीं सही, यानी कि एक दुकान बंद। सही बात है, सचदेव भैया आप समझ रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, एक आंख का नहीं सही, समझ रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है, और कीर्तन में ये चलता भी है, एक आंख का नहीं सही। लेकिन आइए जवाब सुनिए, हुआ क्या क्या बने? एक बार जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पहुंच गए, जब राजा बलि के यहाँ पहुंच गए, कहा है राजन हमको तीन पग भूमि चाहिए, बड़ा सुंदर सा रूप है वो, जब सुंदर सा रूप है महाराज ने दे दिया, तो देखिए महारानी कहने लगी, जब दे दिया कहा है महाराज अगर आप वो वरदान ना देते तो आप राजा होते इस संसार के, लेकिन भगवान विष्णु ने छल दिया, तो देखिए ये राजा और रानी की बात हो रही, लेकिन महाराज बलि ने वरदान मांगा, जब तीन पग भूमि को ले लिया, वली ने तो सारे संसार को नाप लिया, महाराज वली के महली के पास कुछ नहीं रहा, अंत में अपना शीश झुका दिया, प्रभु प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो, तो कहना पड़ा क्या बेटे? सुनिएगा, रूप धर आए जब बावन,
वरदान मांगकर जैसे बलि महाराज आए तो भगवान का वह सुंदर सा रूप बामन अंगुल का है। रूप धर आए जब बामन ऊंचाई ले अंगुल बामन बामन अंगुल के तो रूप धर आए जब बावन ऊंचाई ले अंगुल बावन तो बने दरवान वही पर। देखिए बावन दरवाजे हैं तो भगवान विष्णु ने बावन रूप रख लिए। बने दरवान वही दर पर रूप धरने पड़े बावन, क्योंकि राजा बलि ने वरदान मांगा कि प्रभु मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन होने चाहिए। राजा बलि के हैं बावन दरबार, तो भगवान विष्णु ने बावन रूप बनाए और हर दरवाजे पर खड़े हो गए। बने दरवान वही दर पर रूप धरने पड़े बावन तो कि निज ग्रह आए बहुत हर्षाए। कहा रानी कि निज ग्रह करते हैं। कहा रानी कि निज ग्रह आए बहुत हर्षाए करते भगवान है कहीं। आप कह रहे हैं कि आप राजा होते अगर आप वरदान में ना फंसे होते, कहना पड़ा क्या बेटे? ना होने से होना अच्छा। अरे परमात्मा से कोई पार पा सकता है? अरे हमको जितना मिला उतना बहुत है। ना होने से होना अच्छा, भगे भूत का मिले जो कच्चा। अरे जितना हमको मिला उतना काफी है। दीपावली 5 दिन की, 5 दिन का राज तो मिला। तो ना होने से होना अच्छा, भगे भूत का मिले जो कच्चा। राज बस इतना ही सही, राज बस इतना ही सही। बच्चों की तरफ से प्रयास। बहुत ही अच्छा गीत आया है अभी, आप लोगों ने सुना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए सचदेवा जी, बहुत अच्छा गीत गाया है, बहुत बढ़िया। और ये गीत मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन अब जितना बन जाए स्वीकार करिए। अगली आप कह रहे फंसने फंसाने वाले गीत, लेकिन हम फंसने फंसाने वाले गीत नहीं गाएंगे, क्योंकि कलाकार अपनी ओर से प्रयास करता है। आपने भी किया। आप कह रहे हैं बहन जी ऐसे गीत गा रही है कि पब्लिक भागी जा रही है। हमको लगता है शायद हमारे राकेश भैया इसीलिए भाग रहे हैं। लेकिन आइए सुनिए।
आइए सुनिए। चलो बहुत अच्छा गीत आया आया। और एक शायरी को हमारे भैया ने दो बार पढ़ी, अभी दो बार और पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छी शायरी है। हमारे भैया एक शायरी को जाने कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन आइए एक शायरी मैं पढ़ रही हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। कि जहर भाया हमें कितना, पीना नहीं आया। जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे, लेकिन भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे, लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया।